पूर्वी मैदान राजस्थान का तीसरा उपविभाग है या भौतिक विभाग है पूर्वी मैदान। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समोर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। राज्य के 23.3% भाग को इस पर यह फैला हुआ है। यह मैदान गंगा व यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान, मध्य भाटी व छप्पन का मैदान आदि को सम्मिलित किया जाता है। बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के मध्य का भाटी मैदान बंजर भूमियों की घाटियों का क्षेत्र है, ये 56 के नाम से पुकारते हैं। इस मैदान को भी तीन उपविभागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के जन्म देने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी के विंध्यन कगारों से निकलती है। वह चौरासी गढ़ के समीप एक गार्ज को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना से मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनमें प्रमुख हैं गार्ज, नदी बिहड़, जलप्रपात, कगार, सिप्रिकाएँ, निक पॉइंट आदि। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बिहड़ पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती आदि के साथ बदलती रहती है। इससे आगे यह कुंवारी बिहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिण पश्चिमी भाग के साथ निरंतर 12 तक अच्छी तरह सीमांकित है। सेकंड है बनास बेसिन। इस नदी को वन की आशा कहते हैं। बनास बेसिन की सीमा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। बनास तथा इसकी सहायक नदियां जैसे खारी, सोहड़ा, भोसी, मोरल, बेड़च, बजायन, गोलवा के द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 70 सेंटीमीटर के लगभग होती है। थर्ड है छप्पन बेसिन। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित है। माही नदी की सहायक नदियों द्वारा ढाल प्रवणता अति तीव्र है। इतना अधिक ढाल प्रवणता अन्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ का ढाल 8 से 10 मीटर प्रति किलोमीटर है। दक्षिण में यह बेसिन समरूप नहीं है जैसा कि उत्तर में मेवाड़ का मैदान है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इन विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ नाम से पुकारा जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग तथा विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए यह भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान के अंतर्गत बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के जिले सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट राजस्थान के भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए यह पठार चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। यह मैदान दक्षिण पूर्व में व उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। राजस्थान की सीमा के पार करने तक यह सीमा तक फैला हुआ है। जब तक बुंदेलखंड के पूर्वी विकसित कगार दिखाई नहीं देते हैं, हाड़ौती पठार के अंदर ऊपर माल का पठार और मेवाड़ का पठार जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इस भूभाग को भी दो उपविभागों में बांटा गया, विंध्यन कगार भूमि और दूसरा दक्कन का लावा पठार। यहाँ पहले का विस्तार से वर्णन करेंगे, विंध्यन कगार भूमि। यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देती है। कगारों के मुख्य बनास चंबल के बीच दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैली है। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखलाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार स्थल खंड स्थित है जो धौलपुर करौली के क्षेत्रों पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर के बीच स्थित है। लास्ट है दक्कन का लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग तीन सेकेंद्री कगारों के रूप में विस्तृत है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का यह भौतिक इकाई उपरमाल के नाम से जानी जाती है। यह एक विस्तृत और पथरीली भूमि है जिसे कोटा बूंदी पठारी भाग भी सम्मिलित है। विंध्यन कगारों के आधार तल क्षेत्र दक्कन ट्रैप लावा के जमाव दिखाई देते हैं। चंबल और इसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा के एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 215 मीटर के बीच है।